सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फैसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स, जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे के सिद्धांतों के बारे में, जो कि 1923 ईस्वी में आया था। जीन पियाजे साइकोलॉजी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम था The Language of the Thought of Child, The Language of the Thought of Child। इनके जो प्रमुख सिद्धांत थे उनके नाम कुछ इस प्रकार थे। एक तो इन्होंने दिया सिद्धांत परिपक्वता, दूसरा वातावरण के साथ संबंध और तीसरा सामाजिक वातावरण के साथ संबंध। जीन पियाजे थे, वे स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे और सबसे ज्यादा 20th सेंचुरी के बेस्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में बालक की शैशवावस्था से किशोरावस्था का वर्णन किया था। इसके अलावा जीन पियाजे ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत संतुलीकरण संप्रत्यय भी दिया था, जो इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सबसे पहले जानते हैं संतुलीकरण मतलब, जैसे जैसे बालक की उम्र या एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका विकास होता है और उस विकास के साथ साथ संतुलीकरण भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक और टर्म दी थी स्कीमा, स्कीमा जो कि होता है मनुष्य प्राणी की सामान्य क्रिया करने की प्रक्रिया, सामान्य क्रियाएं जैसे कि बैठना, लेटना, इस तरीके की। तो स्कीमा के अंतर्गत इन्होंने दो प्रकार के टर्म दी, एक का नाम दिया आत्मीकरण और दूसरे का नाम दिया या तो स्थानीकरण, व्यवस्थीकरण या समंजन। पहला आत्मीकरण, स्कीमा की दो, आत्मीकरण और समंजन। सबसे पहले जानते हैं आत्मीकरण मतलब, किसी भी नए कार्य को सीखना ही आत्मीकरण होता है, जो कि जीन पियाजे ने बताया। आत्मीकरण, किसी भी नए काम को सीखना आत्मीकरण। तो मनुष्य के द्वारा या प्राणियों के द्वारा जितनी भी नई नई प्रक्रियाएं होती हैं, नई नई क्रियाएं होती हैं, उनको सीखने की योग्यता ही आत्मीकरण कहलाती है। इसके बाद दूसरी टर्म दी उन्होंने समंजन, या फिर कह दे स्थानीयकरण, या फिर कह दे व्यवस्थीकरण। इससे इन्होंने समझाया कि जब आत्मीकरण से सीखी गई नवीन क्रियाएं मनुष्य सीख लेता है, सीखने के बाद उन नवीन क्रियाओं को जब मनुष्य या प्राणी व्यवहार में प्रयोग लेता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समंजन। और इनके अनुसार उस प्रक्रिया में प्राणी सबसे ज्यादा समायोजन या एडजस्टमेंट करता है। अब मेन मुख्य जीन पियाजे ने बालक की कुछ बौद्धिक विकास की अवस्थाएं भी बताई थी, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो बालक के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं, जिन्हें इन्होंने चार प्रकार से बताया। पहली अवस्था का नाम दिया संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी गई। दूसरी प्रक्रिया का नाम बताया इन्होंने अवस्था का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था इन्होंने बताई उम्र 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 7 से 11 से 12 वर्ष, 7 से 11 या 12 वर्ष। और चौथी अवस्था बताई
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र थी 11 से 12 से लेकर 11 या 12 से लेकर 15 वर्ष तक। इस प्रकार से उन्होंने बालक की चार अवस्थाएं बौद्धिक विकास की बताई, जिनके अलग अलग नाम थे। जो नाम ध्यान रखने मुख्य रूप से, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले जानते हैं संवेदी पेशी अवस्था में क्या। संवेदी पेशी अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें सर्वप्रथम बालक संवेगों का अनुभव करता है अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। इसके अलावा इस अवस्था में, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये बालक जन्म के बाद कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने आप सीखता है अपने आप ही, जैसे कि बालक उबासी लेना, जैसे पलके झपकाना, जैसे कि रोना, इस प्रकार की क्रियाएं। और इस प्रकार की क्रियाओं को जीन पियाजे ने कहा नैसर्गिक आकृति कल्प। इस प्रकार की क्रियाओं को नैसर्गिक आकृति कल्प। इसके अलावा जीन पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, जो छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, वह जो उसकी आंखों के सामने होता है उसके अनुसार उसका संसार वही होता है। उसके हाथ में जो भी वस्तुएं आती है, जो भी सामान आता है, वो अपने मुंह में लेता है। इस तरीके के बालकों में, जन्म से 2 वर्ष तक के बालकों में, जन्म के लगभग 3 माह बाद में रंग विभेदन की क्षमता आती है, रंग पहचानने में आते हैं। लेकिन इनके अनुसार जन्म के समय केवल बालक लाल या सफेद रंग में अंतर कर पाता है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक में सामाजिकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। दूसरी अवस्था दी जीन पियाजे ने, वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी प्रमुख विशेषता बताई उन्होंने अतार्किक चिंतन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अतार्किक चिंतन, बिना सोचे समझे। इस अवस्था में ज्यादातर जो बालक होते हैं वो इलॉजिकल अतार्किक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा कैसे हुआ, इसका क्या जवाब है, इस प्रकार से, अगर ये काम ऐसे करते हैं तो क्यों किया। तो इसी के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बताया कि इस प्रकार के बालकों में सबसे ज्यादा खेलते हैं और सभी चीजों को वो सजीव मानते हैं, अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा अपनी बुद्धि का इस अवस्था में बालक बहुत प्रदर्शन भी करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, स्कूल में जो भी सीखते हैं वो जब तक अपने घर वालों को ना बता दे, तो इस अवस्था में ही पाया जाता है कि जो भी बालक सीखता है उसे जब तक सभी परिवार वालों को नहीं बता देता, शांति से वह नहीं बैठता है। इसीलिए इस अवस्था में बोलते हैं इसको अतार्किक प्रश्नों की झड़ी लगा देता है और अतार्किक चिंतन। और सबसे बड़ी एक और इसकी विशेषता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की अकेले बातचीत करना, अपने आप से बहुत बालक बातें करता है। तीसरी अवस्था जो बताई, वो बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 7 से 11 या 12 वर्ष। मूर्त तार्किक चिंतन करता है, तार्किक लॉजिकल चिंतन। इसमें बालक में एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो हर काम को सीखने की कोशिश करता है, इसलिए इसे सीखने की अवस्था भी कहते हैं। इस समय बालक में बातचीत करने की क्षमता आ जाती है, कुछ संख्यात्मक ज्ञान को भी पहचानता है और कुछ तरीके की वर्गीकरण, सारणीबंध, इस तरीके की योग्यताएं भी बहुत पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चौथी जो अवस्था बताई, वो बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता जो बताई, वो बताई अमूर्त चिंतन। इसमें ये महत्वपूर्ण है सबसे, इसमें जो बालक होता है वो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, किसी भी प्रकार के तर्क करता है, किसी भी प्रकार के तर्क दे सकता है। इसीलिए इस अवस्था में ज्यादातर बालक निषेधीकरण, सहसंबंधीकरण आदि की योग्यताएं उस बालक में पाई जाती है। अपनी बात को कैसे सही प्रूफ करना है, वह इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में पाई जाती है। तो इस प्रकार 4 प्रक्रियाएं जो जीन पियाजे ने दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। साइकोलॉजी के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको परेशानी आए या प्रॉब्लम आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम जल्दी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें।